इमरान खान को आज उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने ऊपर दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में जमानत लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे। इमरान खान के कोर्ट में पहुंचने से पहले ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी टीम की एक टुकड़ी कोर्ट के कैंपस में पहुंच चुकी थी। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा भारी तादाद में पाकिस्तानी रेंजर्स के हथियारमंद जवानों की तैनाती की गई थी। कोर्ट कैंपस में इमरान खान जब बायोमेट्रिक्स के जरिए अपनी हाजिरी लगा रहे थे तभी पाकिस्तान के रेंजर्स खिड़कियों के शीशे तोड़कर उस केबिन में घुस गए। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले रेंजर्स ने वहां मौजूद इमरान खान के वकीलों को धक्का मारा, जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें बुरी तरह पीटा और इसके बाद वहां मिर्ची का पाउडर लोगों की आंखों में स्प्रे कर दिया। इसके बाद रेंजर्स ने व्हीलचेयर पर बैठे इमरान खान को कॉलर पकड़कर उठाया और हाईकोर्ट कैंपस से घसीटते हुए बाहर ले गए। कोर्ट प्रमाइसेस के बाहर भी पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान भारी तादाद में मौजूद थे। एक बख्तरबंद गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। रेंजर्स ने इमरान खान को कॉलर पकड़कर उस गाड़ी में डाला और उसे वहां से लेकर चले गए। बाद में एक बयान में बताया गया कि इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी लेकिन हर बार इमरान के सपोर्टर्स उनके चारों तरफ घेरा बनाकर उन्हें पुलिस से बचा लेते थे। मार्च में जब पंजाब पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर उनके घर गई थी तो भयंकर हिंसा हुई थी। पुलिस की टीम इमरान के घर तक नहीं पहुंच पाई थी। इमरान के समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया था। कई दिनों तक कोशिश के बावजूद पंजाब पुलिस इमरान खान को अरेस्ट कर पाने में नाकाम रही। इसीलिए आज पाकिस्तानी रेंजर्स पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और उन्होंने इमरान खान को कोर्ट के बाहर नहीं, कोर्ट कैंपस में घुसने के बाद उस केबिन में घुसकर अरेस्ट किया जहां इमरान के सपोर्टर्स मौजूद नहीं थे। सिक्योरिटी के इंतजाम इतने तगड़े थे कि इमरान के सपोर्टर्स को रेंजर्स को रोक पाने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ अचानक हुआ। इमरान खान की लीगल टीम ने रेंजर्स को रोकने की कोशिश की, वकीलों ने इमरान खान को बचाने का प्रयास किया लेकिन रेंजर्स ने उनके साथ मारपीट की। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक वाले रूम में मैं खड़ा हूँ। अभी यहाँ इमरान खान साहब आए पेश हुए, थोड़ी देर पहले यहाँ से गिरफ्तार किया गया। मैं एग्जैक्टली बता दूँ, ये आप देख रहे हैं ये बायोमेट्रिक है, ये बायोमेट्रिक मशीन है, यहाँ बायोमेट्रिक करते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। खान साहब वहाँ खड़े थे, पहले बार से धक्का देके मारा तो मैं एग्जैक्टली इस जगह खड़ा था, यहाँ पे यहाँ से खड़ा था, वो सामने वहाँ से आके उन्होंने शीशा तोड़ा है और वो ये आप नीचे देख लीजिए क्या सूरत हाल है, ये दरवाज़ा है और मेरी आंखों में मारा आँख, इतना जोर जोर का स्प्रे, हम तीन वकला थे और इतना शदीद किस्म का हमला था, बोला नहीं जा रहा है और इस वक्त अभी भी अंदर ये जो है वो एक शदीद चैलेंज के असरात मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।